कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़करण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम 2021-22 के तहत कृषि विभाग के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विराट किसान मेला प्रदर्शनी का हुआ आगाज, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नीतीश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि मेले में कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, विभागों व विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि ये मेला किसानों के लिए बहुत ही लंबावित करने वाला है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए व खेतों में उचित खाद उपलब्ध कराने का परामर्श भी दिया जा रहा है। 25 से 28 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों को उनके खेतों से जुड़ी समस्याओं व उनके निदान कराने की भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के सदर तहसील के निकट स्काउट परिसर में विराट किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान जो नया नवाचार हो रहा है, जो कृषि में नए प्रयोग हो रहे हैं बीजों के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, देखिए आप जैसे इफको ने नैनो फर्टिलाइजर तैयार किया है, बहुत छोटे से आप एक छोटे से बोतल में आप पूरा जो फर्टिलाइजर की क्वालिटी है उसको लाया गया है, तो वो प्रयोग के द्वारा आप समझ सकते हैं कैसे प्रोडक्टिविटी हमारा खेत में बढ़ा है, तो कैसे इसको प्रयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक है कि एक तो विभाग लोगों को, कृषकों को नई जानकारी के बारे में प्रदान करते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका होता है कि एक किसान दूसरे किसान को बताते हैं कि हमने क्या प्रयोग किया, जो कि फर्स्ट लेवल प्रयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण इस आयोजन का ये होता है, एक किसान अपने प्रयोग को बताए और दूसरे किसान उसको प्रयोग करें, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कैंप हैं, तो वही मैंने बोला कि कृषि को विविधीकरण करके आप आय सृजन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी हैं, कई जैसे महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो गन्ने के पौध तैयार करती है, उससे उनका आय सृजन होता है। NLM ग्रुप की महिलाएं हो या गन्ना विभाग एक ग्रुप्स बनाता है, उसमें महिलाओं को तैयार करने के लिए देता है, बीज तैयार करने के लिए देता है, उसका पौध तैयार करने के लिए देता है। तो इससे है कि आपका इसमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कन्वर्जेंस करके दिखाया जाता है कि आप कैसे कन्वर्जेंस अप्रोच लगा के आप आय सृजन अधिक कर सकते हैं और आर्थिक सशक्त हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, यही रहेगा कि कृषक भी जिन लोगों ने अपना नवाचार किया है और उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी फसलों की बढ़ी है, अपने अन्य कृषक भाइयों को भी बताएं कि हमने कैसे किया है और उसमें क्या समस्याएं आई है और उसका क्या उपाय उन लोगों ने ढूंढा है, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएं। और कृषि विभाग के अधिकारी भी अपने एक्सपीरियंस को, हमारे वैज्ञानिक भी इसमें आए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, तो इससे एक हम उसके अपने प्रोडक्ट को बहुगुणित कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा